Okay, see the question. A man got a 10% increase in his salary if his new salary is 1,54,000. Find his original salary. Question में क्या दिया है? Man is जिसकी 10% increase हो रही है salary. Okay, increase होने के बाद उसकी salary कितनी हो गई? 1,54,000. So find his original salary. तो उसकी original salary क्या होगी? ये हमें यहाँ पर find out करना है. Okay? तो चलो आप मान लेते हैं कि original salary हमें find out करना है. तो solve किस तरह से करना है? तो मान लो यहाँ पर let कर लो the original salary. Original salary. उसकी क्या है यहाँ पर? रुपीस एक से मान लो. ओके अब इंक्रीज हो रहा है उस पर, उसकी ओरिजिनल सैलरी पर इंक्रीज हो रहा है. कितना? 10%. ओके तो यहाँ पर इंक्रीज कितना हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर कितना हो रहा है? 10% ऑफ किस पर हो रहा है? उसके ओरिजिनल सैलरी पर. तो क्या होगा? 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी क्या है उसकी? एक्स. ओके तो फॉर्म क्या बनेगा इसका? 10% मीन्स 10/100 इंटू एक्स. ये हो गया यहाँ पर. नाउ इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा? 0 0 8 कैंसिल हो जाएगा. तो बचा क्या यहाँ पर? 1 × x, x/10. तो यहाँ पर लिखा मैं x/10. इंक्रीज कितना आ रहा है? x/10. ओके नाउ अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है उसकी? अब यहाँ पर ओरिजिनल सैलरी क्या होगी? ओरिजिनल सैलरी क्या होगी? ओके सॉरी न्यू सैलरी क्या होगी? ओके ऑलरेडी हमें यहाँ पर न्यू सैलरी दे करे अगेन उसकी न्यू सैलरी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या होगी? तो यहाँ पर मैं इसका क्या होगा यहाँ पर द ओरिजिनल सैलरी न्यू सैलरी क्या होगा उसकी न्यू सैलरी क्या होगी उसकी जो पहले ओरिजिनल सैलरी वो रहेगी मतलब एक्स उसमें कितना ऐड हो रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है. ओके तो क्या होगा 10% इंक्रीज हो रहा है उसकी ओरिजिनल सैलरी पर मतलब इंक्रीज कितना है x/10 क्या पर हमने सॉल्व किया है तो ये हुआ x/10. ओके नाउ इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. देखो न्यू सैलरी क्या होगी जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है वो प्लस उसका इंक्रीज जितना होगा वो. ओके और इंक्रीज हमेशा कहाँ पर होगा उसकी ओरिजिनल सैलरी पर होगा. ओके तो ये हुआ एक्स प्लस इंक्रीज कितना हुआ x/10 हुआ. नाउ इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x × 10 कितना होगा यहाँ पर सामने लिखता हुआ x × 10 कितना होगा 10x प्लस है तो प्लस इसके डिवाइड में कुछ नहीं मिस वन x × 1 कितना होगा x होगा डिवाइड बाय 10 × 1 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन तो कितना होगा ये 10 हो जाएगा. सो मिला किसका 10x प्लस x कितना होगा ये 11x डिवाइड बाय कितना होगा ये 10. ओके अभी होगा न्यू सैलरी अगेन हमें क्वेश्चन में न्यू सैलरी दे करें. ओके सो मान लो जिसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ओके अगेन यहाँ पर न्यू सैलरी दे करें दी न्यू सैलरी कितना है यहाँ पर ₹1,54,000. इसको इक्वेशन 2 मान लो. नाउ देखो ये भी हमारा क्या है न्यू सैलरी और ये भी हमारा न्यू सैलरी है. सो कंपेयर करो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या होगा इक्वेशन मिल जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 के हिसाब से हमें इक्वेशन मिल गया. सो क्या होगा फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव 1 एंड 2 के हिसाब से क्या होगा ये भी न्यू सैलरी है ये भी न्यू सैलरी है. सो क्या होगा 11/x इज इक्वल टू क्या होगा 1,54,000. ओके तो मैं यहां पर लिखता नीचे में क्या होगा ये 11x /
10 is equal to ये कितना है 1,54,000 ये 10 को इधर ले गया सो क्या आ रहा है ये डिनोमिनेटर में इधर आके मल्टीपल मिल जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या है 11x ओके सो ये 1,54,000 ये 10 इधर आ जाएगा अब इसको सॉल्व करो देखिए क्या आ रहा है 11x और ये 1,54,000 तो क्या आ रहा है यहां पर अगेन यहां पर 10 मिल जाएगा कितना हो गया ये 15,40,000 हो जाएगा कितना होगा 15,40,000 हो गया क्योंकि जीरो यहां पर बढ़ गया नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि x हमारा क्या है यहां पर ओरिजिनल सैलरी तो यहां पर मैं लिखता क्या होगा यहां पर x इक्वल टू कितना होगा ये 15,40,000 और यहां पर मल्टीपल में तो इधर डिवाइड में आएगा यहां पर देखो 11 से भाग जाता है 11 बन जाए 11,14,000 सो कितना मिला यहां पर x इक्वल टू 1,40,000 कितना मिलेगा यहां पर 11,14,154 और 40 मींस कितना होगा 1,40,000 1,40,000 ये क्या होगा इसकी ओरिजिनल देयरफॉर दी ओरिजिनल सैलरी कितना होगा यहां पर ओरिजिनल सैलरी कितना होगा रुपीस 1,40,000 कितना आ रहा है 1,40,000 ये उसकी क्या होगी ओरिजिनल सैलरी होगी ओके बहुत ही सिंपल था यहां पर जस्ट उसकी ओरिजिनल सैलरी हमें फाइंड आउट करना था तो हमने x मान लिया इंक्रीज हुआ किस पर ओरिजिनल सैलरी पर 10% तो 10% आप x जब इसको सॉल्व किया तो x / 10 आया हमें न्यू सैलरी क्या मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट सो x + x / 10 इसको सॉल्व करने के बाद 11x / 10 आया इक्वेशन बन गया अगेन हमें गिवन में देख कर ये न्यू सैलरी कितना है 1,54,000 दोनों न्यू सैलरी दोनों को कंपेयर किए फ्रॉम 1 एंड 2 को यहां कंपेयर करने के बाद हम सॉल्व करने के बाद हमें ओरिजिनल सैलरी कितना मिला 1,40,000 आई होप कि आपको क्वेश्चन